पूरे उत्तर भारत के अंदर धान की रोपाई जारी है और किसान लगातार जो धान की जो है बुआई कर रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अरुण यादव जी है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है किसान भाई धान की जो है तैयारी कर सकता है। तो सर आपका मार्केट टाइम्स न्यूज के अंदर स्वागत है सबसे पहले तो, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जो आपके धान भी सभी जो दर्शकों को मेरा नमस्कार और विनोद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर जो किसान भाई जो अब जो धान की जो है फसल की जो तैयारी कर रहा है, कई जगह पर जो रुपाई भी जारी है, तो अगर हिसार जिले की बात की जाए तो किसान भाई धान की खेती किस प्रकार से जो उसको तैयार करके जो है अपनी ये बुआई कर सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान रोपाई के समय दो बातों का विशेष ध्यान रखे। एक तो क्योंकि शुरू में ही बकाने डिजीज आती है, उसके सीड ट्रीटमेंट और नर्सरी के टाइम 10 ग्राम आपकी कार्बन डाइजिन 10 लीटर पानी में डाल के और किसान भाई उस नर्सरी से उखाड़े तो उसमें डिप करके उसके बाद लगाए ताकि उसमें बकाने डिजीज नहीं आती, पहला। दूसरी बात कि अब बिजाई का समय, बिजाई का बड़ा अनुकूल समय है और क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया तो किसान भाइयों को इस समय बिजाई या नर्सरी ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। तो सर जब किसान अपनी जमीन को तैयार करता है तो वो किस प्रकार से उसको तैयार करनी चाहिए, और जो सबसे ज्यादा अपने एरिया में कौन सी किस्म जो है बोई जाती है? अपने यहाँ सबसे ज्यादा 11-21 का एरिया है, उसके बाद 1509 का है, बाकी किस्में भी लगाते हैं किसान भाई। और आपने पूछा कि भाई किसान किस तरह से तैयारी करे, एक टेक्नोलॉजी है DSR, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि किसान भाइयों को DSR पे जाना चाहिए। उसमें दो चीजें बहुत अच्छी हैं, एक तो पानी की बचत है उसमें 15 से 20%, दूसरा वो अर्ली मैच्योर होती है उसमें फसल जल्दी पकती है, पानी की भी बचत है जल्दी भी पका होता है। तीसरा बात उसमें सबसे बढ़िया अच्छी बात है कि खरपतवार का नियंत्रण बहुत बेखूबी से किसान कंट्रोल कर सकता है। और पिछली बार जिले हिसार की जहां तक बात करें 11,000 एकड़ में किसानों ने ये DSR से लगाई थी और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अब की बार 10 जुलाई लास्ट डेट थी पोर्टल पे अपडेट करने की और 13,246 एकड़ का रकबा DSR के अंडर फार्मर ने रजिस्टर किया है, जिसमें 2,369 किसान भाइयों ने 13,246 एकड़ रकबा DSR के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया। तो सर जब किसान अपने जो धान की जो फसल जो बुआई करता है तो उस समय जब वो उस फसल जो समय फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान को सोयल टेस्ट करवानी चाहिए। सोयल टेस्ट करवाने के बाद उसमें किसान भाई अच्छे से उर्वरक पूरी मात्रा में डालें क्योंकि फसल को अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें पोषक तत्वों की अति आवश्यकता ज्यादा रहती है। तो जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रिकमेंडेशन है, सिफारिशें हैं, जैसे 130 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम आपका